मंदिर कितना पुराना है? हजारों हजारों साल का पुराना है। बाबा यहाँ पे विराजमान है साक्षात, और कई सालों से यहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, यानी विदेश को यहाँ आदमी आता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नायक ब्लॉग। आज मैं आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ एक मंदिर, और ये कौन सा मंदिर है भाई, बता जरा। चेचका धाम इसका नाम है, और ये कुम्हारी में स्थित है इसका। तो आप लोग इसका वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज, यहाँ पर क्या क्या है या क्या क्या होता है नहीं होता, और ये क्यों फेमस है चेचका धाम, ठीक है। तो वहाँ के कुछ गाँव लोगों से बातें भी करेंगे, तो चलिए मिलते हैं उनसे और कुछ जानकारी लेते हैं ये क्यों फेमस है और किस लिए जाने जाते हैं हमारे झारखंड में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रहा सामने चेचका धाम मंदिर का गेट। हम लोग यहाँ से प्रवेश करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको चेचका धाम आने के लिए बिजलिया हाई स्कूल से लगभग 5-6 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। और अगर आप इधर से आते हैं तो ये जो रास्ता आप दिख रहा है आपको, ये रास्ता आपको धनबाद की ओर से आती है, और धनबाद से लाल बंगला से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये चेचका धाम मंदिर। और ये मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिर है दोस्तों। तो मैं आपको मंदिर की ओर लेके जा रहा हूँ, और अंदर में आपको दिखाऊंगा कौन कौन देवी देवताओं का मंदिर है। तो आपको जैसे कि आपको पता ही है कि अगर किसी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले फल प्रसादी लेना पड़ता है, तो आप यहाँ से फल प्रसादी खरीदारी कर सकते हैं और बाबा का दर्शन कर सकते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ स्थानीय आदमी भी हैं। तो आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम है साधन हजारी, मैं धनबाद जिला के रहने वाले हैं। तो आज साधन हजारी जी हमारे साथ में हैं, और ये धनबाद जिला के रहने वाले हैं। तो आज चलिए इनके साथ भी कुछ बातचीत करेंगे और इनके साथ जानेंगे मंदिर के बारे में कुछ प्रमुख बातें। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और ये रहा मंदिर का कुछ प्रमुख दृश्य। और ये यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर, ये सामने मंदिर है, पहला मंदिर ये हम लोगों को मिला है, और आगे आपको बजरंगबली का ये मंदिर है, और आगे मैं यहाँ का जो प्रमुख मंदिर होता है वो मंदिर का भी आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ मंदिर है, और मैं जगन्नाथ मंदिर का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में। और पीछे भी देख सकते हैं बहुत सारे मंदिर यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि देवघर में जैसे शिव मंदिर है, पार्वती मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर है। तो जस्ट कॉपी जैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, कुमरी में ये पड़ता है चेचका धाम मंदिर। तो मैं अभी आपको शिव मंदिर का भी दर्शन करवाने वाला हूँ, और बगल में जो पार्वती माता का मंदिर है उसका भी दर्शन करवाने वाला हूँ आपको। तो वीडियो पे आप बने रहिएगा, मैं आपको अभी कुछ सिनेमेटिक सीन भी दिखाऊंगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर का ताला खुल जाए, फिर मैं आपको अंदर का भी कि यहाँ के जो स्थानीय आदमी हैं कुछ हम लोग को मंदिर का दर्शन करवाने के लिए जा रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है जो सबसे पहले बना हुआ था यहाँ पे। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये मंदिर को। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, ये कोई बनावटी नहीं मूर्ति है, ये खुद वो खुद निकला हुआ मूर्ति है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसको कोई बनाया नहीं है, खुद वो खुद निकला है। तो आइए इस सिलसिले में कुछ बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से भी। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना है, और इधर आप देख सकते हैं छोटा सा शिवलिंग भी है बाबा का, वर्षों पुरानी शिवलिंग है ये। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है, देख सकते हैं ये माँ वैष्णो देवी साक्षात हैं यहाँ पे। इस पेड़ से यहाँ के लोगों का कहना है कि दवा भी बनता है और बहुत सारी बीमारियाँ भी ठीक होती है। और सामने आप देख रहे हैं एक मंदिर का निर्माण हो रहा है जयदेव पदावती का, वो मुरली माली जी हैं बाबा जी, वो तुरीडी मोदा का रहने वाले हैं, उन्हीं का निर्माण किया हुआ ये मंदिर। और मंदिर के देखरेख में देख सकते हैं कितने सुंदर पक्षी कबूतर हैं यहाँ पे, जो इस मंदिर के प्रांगण में हमेशा रहते हैं और इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, देख सकते हैं। और मैं एक ऐसा मंदिर का दर्शन करवाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल पत्थरों से घिरा हुआ है, और यह दीवार जो दिख रहा है आपको ये पत्थर के बनावटी है, और इसके अंदर में मंदिर है। अब मैं उस मंदिर की ओर लेके, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है दोस्तों, एक बार जरूर इस जगह को विजिट करें। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, ये ओमकार मंदिर है चेचका धाम का। उदय बाबा जी
टेचका धाम का उदय बाबा जी का बना हुआ है, उदय बाबा जी का बनाया हुआ है, इतना पुराना है मंदिर का जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है। पीछे देख सकते हैं ये गेट है प्रवेश करने का, एग्जिट और प्रवेश यहाँ से भी हो सकता है, और एक रास्ता आपको हम मैंने अंदर इंटर करते समय भी दिखाया था, एक रास्ता वहाँ से भी है। तो यहाँ पे दो रास्ते लगभग हैं जहाँ से आप एग्जिट और प्रवेश कर सकते हैं। तो मैं आगे और आपको दिखा रहा हूँ, पीछे में देख सकते हैं ये भी एक मंदिर है, और इधर भी देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत रंगों से इसको सजाया गया है, और यहाँ पे पेड़ पौधा भी आप देख सकते हैं अगल बगल में है, और यहाँ पे मौजूद कुछ स्थानीय आदमी हैं। आप देख सकते हैं कुछ भक्त लोग आए हैं इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए आप लोग? भाट बिनोर से आए हैं। तो देख सकते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए भाट बिनोर से भक्त लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि इस मंदिर को देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, और आइए इन लोगों से कुछ जानकारी लेते हैं। तो माता आप लोग बताइए कि आप लोग को ये मंदिर कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो पूजा कर लिए हैं आप लोग? करनी। और आप लोग आगे आना यहाँ पसंद करते हैं कि नहीं? और आया भी है। और यहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं? होती है ना। तो जैसे कि गाइस आप लोग सुन चुके होंगे, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती है पूर्ण रूप से पूरी भी होती है। तो एक बार आप जरूर इस जगह को विजिट करें, एक बार जरूर पधारें चचका धाम मंदिर जो कुमरी में स्थित है, आपकी मनोकामना यहाँ पे जरूर पूरी होगी। तो आइए कुछ और मंदिर का दर्शन करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। और ये रहा शीतला माता मंदिर। जय माता। आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं शीतला माता। जय शीतला माता। सारे देवी देवता का दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं नंदी बाबा की ओर, और ये रहा नंदी महाराज हमारे, और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से पत्थर के बनावट पे है। आप रूपी है? आप रूपी है। इसको कोई भी नहीं बनाया है, सिद्ध हो गया है। तो गाइज आप रूपी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी निर्माण नहीं किया है, ये खुद ब खुद निकला हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ वीडियो में, देख सकते हैं कैसे नंदी बाबा यहाँ पे विराजमान है साक्षात, और कई सालों से यहाँ पे स्थित है, किसी को इसकी कोई जानकारी भी नहीं। जो आज मैं बहुत मशक्कत के बाद चेचका धाम मंदिर पहुँचा हूँ, और मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से इस जगह को पूरा विकसित करना चाहता हूं, तो प्लीज़ हमारा सहयोग करें, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त यार फ्रेंड सर्कल पूरा झारखंड में इस वीडियो को फैला दें, क्योंकि ऐसा जगह बहुत ही कम देखने को मिलता है। और पीछे साइड आप देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरती किस तरह से, और बहुत सारे मंदिर आप लोगों ने सामने जो आप देख रहे हैं, ये यज्ञ मंडप है, यहाँ पर यज्ञ होता है, और यहाँ बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल देख सकते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे शिवलिंग भी देख सकते हैं आप। और अब हम लोग राधा कृष्ण के मंदिर में भी पहुंच चुके हैं, और ये रहा आपका राधा कृष्ण मंदिर। चलिए बूढ़ा बाबा मंदिर की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जो आपरूपी शिवलिंग है, और ये मंदिर की बनावट देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। और मैं अभी आप लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ये बूढ़ा बाबा मंदिर है, और ये शिवलिंग आपरूपी है, बूढ़ा बाबा का नाम से ये शिवलिंग प्रसिद्ध है, और किसी ने इस शिवलिंग को नहीं बनाया, ना ही कोई किसी ने स्थापित किया है, ये शिवलिंग खुद ब खुद यहाँ पे निकला हुआ है। जय भोलेनाथ। और गाइस सामने देख सकते हैं ये धर्मशाला है, पीछे आप गाइस देख सकते हैं ये गणेश बाबा का मंदिर है जो अभी निर्माण हो ही रहा है। और अब दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख मंदिर होता है, मैं उस मंदिर की ओर लेके आप लोगों को जा रहा हूँ, और मैं उस मंदिर का दर्शन करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप पीछे देख सकते हैं ये यहाँ का प्रमुख मंदिर है भोलेनाथ का, तो मैं इस मंदिर के अंदर आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। महादेवं लोकनं गुरुवेश्वरं
पूर्ण श्याम पूर्ण काम तो गाइज यहाँ पे उपस्थित मंदिर के पुजारी से हम लोग कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की विशेषताएं के बारे में। तो बाबा स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। तो आप सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे रोज पूजा होती है या फिर कभी कभार होती है? ये तो बात बहुत पुराना बात है, मानधत अमल का बात है चचका धाम जो है। और हम लोग तो आज 7 साल का आदमी है, लेकिन हमारी उम्र में जिस दिन से हम चचका धाम आने सकें उसी से डेली पूजा होता है। बोकारो का आदमी पूरा आता है, धनबाद का आदमी आता है, झरिया का आदमी आता है, चेन्नई का आदमी आता है, पूना का आदमी आता है, उड़ीसा का आदमी आता है, देवगढ़ का आदमी आता है, देश विदेश को यहाँ आदमी आता है। और आने के बाद हमारे चचका बाबा को जो कृपा है वे कृपा असीम कृपा है। ऐसे कोटि कोटि आदमी यहाँ लाखों लाखों आए हैं, किसी का आँख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को बच्चा नहीं है, किसी को कुष्ठ रोग हो गया है। बाबा को सामने जो आके हम बाबा से बात करता है, जो धरनाधारी रहता है उसको सुस्त होके इस जगह से जाता है उस। तो बाबा अब ये बताइए हम लोगों को कि ये मंदिर कितना पुराना है? हजारों हजारों साल का पुराना है। हम सारी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दर्शकों को इतना सारा जानकारी दिए। और तो आइए दोस्तों मैं अब आगे की ओर लेके चलता हूँ और यहाँ से नज़दीक में मंदिर के बाबा भोलेनाथ का दर्शन करवाएं। तो अब रह गई बात हमारे यहाँ पार्वती माता का दर्शन कराने का, तो मैं आप चलिए पार्वती माता की ओर जा रहा हूँ। और ये ये सामने में आप देख सकते हैं ये पार्वती माता का मंदिर रहा और मैं कुछ व्यू दिखाने के लिए जा रहा हूँ पार्वती माता का। देख सकते हैं सामने में ये माँ पार्वती का मंदिर है। गाइज और ये सामने में आप देख सकते हैं ये राम मंदिर का निर्माण है जो अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई है और ये पूरे पत्थर से बना हुआ है मंदिर। कुछ दिनों के बाद आपको ये मंदिर भी कंप्लीट दिखेगा। गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और वीडियो को जरूर कमेंट करके हम लोगों को बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ के स्थानीय आदमी से भी कुछ जानकारी लेते हैं, तो आप लोग बताइए कुछ मंदिर के बारे में। नाम बचन मातो है, हम डुमरदाह निवासी हैं। हम चाहते हैं कि ये वीडियो जो आप देखेंगे ये वीडियो चेचका धाम की है, चेचका धाम के नाम पे पूरा प्रचारित है। ये हम चाहते हैं कि यह वीडियो आप थोड़ा शेयर ज़्यादा करें और देखें ज़्यादा और कमेंट्स करें। और चचके सर भोलेनाथ के नाम पे कोई अगर कोई इच्छा हो तो इस जगह दान पेटी लगा हुआ रहे, आके दान पुण्य कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है और हमारा भी यही कहना है कि इतना खूबसूरत मंदिर जो बहुत लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को नहीं भी पता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि इस मंदिर का और भी ज़्यादा विकास हो सके। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो में आप फर्स्ट टाइम अगर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से एक और नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाबा जय चचका धाम जय चचका धाम।